देखो, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर लिया और ये भी पढ़ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से चेंजेस हो रही है. तो अब फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कर चुके हैं. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है. सबसे पहला लिखिए, वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ऑफ बॉन्ड लिख दीजिए, मतलब एक बॉन्ड है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आप मानते हैं पोलरिटी जनरेट होगी, यस और नो. फॉर एग्जांपल, एक बॉन्ड है ए और बी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है तो ए के ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस डेल्टा, और एक पे क्या होगा, प्लस डेल्टा. इससे क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी. तो अब इस बॉन्ड को क्या बोलोगे, कोवलेंट बोलोगे या पोलर कोवलेंट बोलोगे, इसको बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड. इसमें पोलरिटी आ चुकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से. तो क्या हमें इससे परसेंटेज आयनिक करेक्टर मिल जाएगा इसके अंदर, हाँ. यानी कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो होगा वो होगा आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स ए माइनस एक्स बी. क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी स्क्वायर. ये आपके पास डिफरेंस इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर. बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स. तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है. यहां एक चीज और लिखना पड़ेगा, वेयर एक्स ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है और एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है, और एक और की पॉइंट, परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर अगर पूछा जा रहा है तो 100 माइनस परसेंटेज आयनिक करेक्टर आपको करना पड़ेगा. इस पे क्या एग्जाम्पल बन सकता है, इस पे एग्जाम्पल क्या बनेगा, इस पे एग्जाम्पल बनेगा आपका, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 2.4 एंड 2.1, देन फाइंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ सी एच बॉन्ड. सी एच बॉन्ड की परसेंटेज आयनिक करेक्टर आपको निकालनी है. तो अब आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 एक्स ए माइनस एक्स बी, 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर. करिए इसको, तो आपके पास क्या रहेगा, 16, दोनों का डिफरेंस कितना है 0.3 प्लस 3.5, 0.3 का स्क्वायर. तो ये तो आपके पास आ जाएगा 0.3, 16 3 48 यानी 4.8 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.09. राउंड फिगर में हम इसको 0.1 भी माने तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 0.3 के समथिंग. तो ये दोनों मिला के हमारे पास आ जाएंगे 5.13%. बहुत कम आयनिक है लेकिन यही आंसर रहेगा आपका. कर सकते हैं आप, लिखें इसको. सेकेंड एप्लीकेशन रहेगी नेचर ऑफ
ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो जब पीरियोडिक टेबल में आप यहां से जाओगे, लिथियम Li2, बेरिलियम BeO, मैग्नीशियम MgO, लिथियम बेरिलियम बोरोन ले लो B2O3, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, और फिर उसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन। तो ये हमारे पास रहे ऑक्साइड्स। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है। क्या है? एम्फोटेरिक। और ये आपके पास क्या है यहां पर, खास तौर पे ये एसिडिक। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हाईली स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। समझ में आई कुछ बात? इधर देखिए, लिथियम के बाद नीचे कौन आ जाएगा? सोडियम Na2, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये हमारे पास आ जाएगा। तो कुल मिला के ये बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड बेस के दोनों के बीच का रह गया, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। और ये सब आपके पास क्या हो जाएंगे? एसिडिक। तो आप क्या समझ रहे हो इन सब से? की पॉइंट हमारा या थ्योरी हमारे पास ही रहेगी, इन द पीरियोडिक टेबल मूविंग लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस सो दैट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अच्छे समझ में आ गया ये? चीज आपके लिए बेस ऑक्साइड्स के लिए की तरह हाइड्रोक्साइड्स भी हो सकता है, यानी कि नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। कोई भी एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड क्या होगा? EOH होगा। यस और नो? अब यहां कुछ खास बातें होगी। पहली चीज, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ई ऑफ ई इज मोर देन एच, इज मोर देन एच, हाइड्रोजन से ज्यादा है। और दूसरी तरफ हो सकता है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ई इज लेस देन एच। ये दो बातें, या तो एच से ज्यादा होगी या कम होगी, और अप्रोक्सीमेट बराबर हो गई तो फिर एम्फोटेरिक। तो जब बराबर ज्यादा होगी तो ई ओ एच, ई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, समझना। ई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूटेगा और क्या बनाएगा? ईओ माइनस और एच प्लस। ई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ज्यादा पोलर यही होगा, और ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर ई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, और ई प्लस, सॉरी, हाँ,
ई प्लस और क्या बन जाएगा ओ एच माइनस, तो ओ एच माइनस और एक तरफ एच प्लस यानी एसिडिक हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा बेसिक। यही कारण होता है कि मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है एसिडिक होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन हो गई है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, एच से भी कम है। फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? एसिडिक नहीं, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक, आर एसिडिक। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप ले सकते हो H2SO4, HNO3, H3PO4, ये सारे आपके पास OH कंटेनिंग रखते हैं और जो ई है वो अपने आप में हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे SOH 2OH है। तो बताओ सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा या नहीं है? है तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सल्फर इज नॉन मेटल यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई लिख दो। तो क्या बनाएगा? ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ही टूट जाएगा। ऐसे ही HNO3 के अंदर ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगा और H प्लस बनाएगा। ऐसे ही HCPO4 में तो ये 3 H+ और तीन ओ माइनस देगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना एसिडिक करेक्टर को बताएगा और ये है। और एक बात और, इन सब में सेंटर एटम में किसकी सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जनरली, वो डिसाइड कर रहा होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन वो तब लगता है जब, जैसे यहां मैं बात कर रहा हूं HOCl, HOF, इसमें एक और एग्जांपल कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ HOF, HOCl, HOBr, HOI। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है यहां पर। तो ये जगह सारे एसिड होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो हाईएस्ट कौन है? तो सबसे ज्यादा ये आंसर आएगा। इनमें कंपेयर करना था, हमने कर दिया। बोलो क्लियर है? ये ऑक्सी एसिड्स के लिए ठीक है, हाइड्रेट एसिड के लिए नहीं है। हाइड्रेट एसिड वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड ये यहां से नहीं डिसाइड होगा, ये अलग तरह से चलता है। यानी HX को
कोई भी होता है तो वो किस में टूटता है, एक्स प्लस प्लस एच माइ एच प्लस और एक्स माइनस। ये फोर्थ डेफिनेशन एग्जाम्पल हो गया, फोर्थ केस, या जो भी आपके पास है थर्ड केस। कोई दिक्कत? आप ऐसा लिख सकते हो, यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ इस जगह, सिर्फ इस जगह प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम, सीए का मतलब सेंटर एटम, और बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल वन अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली है और एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है। तो बताओ NaOH और KOH में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Na की, नीचे की जाने पे, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। KOH ज्यादा बेसिक होगा। समझ में आ रही है बात? अब बात आती है इनके लिए हमें किससे देखना होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब कौन, बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये बॉन्ड आराम से शिफ्ट हो जाएगा, वीक बॉन्ड। तो एक सेकंड के लिए देखो, ये पीरियोडिक टेबल है आपके पास, मूविंग डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ये आप बॉन्डिंग में पढ़ोगे, डिक्रीजेस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस। आसानी से दे देगा एच प्लस। यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग से बताई जाती है, बॉन्डिंग से बताई जाती है कि भैया एच आई के अंदर, आप खुद ही सोच लो, एच एफ के अंदर और एच आई के अंदर ये बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि बहुत बड़ा, ये कौन सा ऑर्बिटल है 2s, और ये कौन सा है, फ्लोरीन में तो 2p होता है, क्लोरीन में 3p 4p 5p, तो 5p के अंदर बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? वीक होगा। 2s 5p बॉन्ड ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा और वीक बॉन्ड होगा। और यहां पर क्या होगा, 2p और 1s के बीच में बनेगा, ये भी 1s के बीच में बनेगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा स्ट्रांग होगा उसके कंपेयर में, तो वीक एसिड रहेगा ये, स्ट्रांग बॉन्ड वीक एसिड, वीक बॉन्ड स्ट्रांग एसिड। अब ये चीज लिख लो और खत्म करो। कॉन्जुगेट अभी नहीं पढ़ रहे, अपन टॉपिक ही अलग हो गया। ये तो अपन बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट में, टॉप टू बॉटम, सॉरी टॉप टू बॉटम में, लेफ्ट टू राइट में अपने साथ क्या होगा इस जगह? यहां हमारे लिए अलग है, यहां बॉन्ड सेम ओवरलैपिंग होगी, कोई उससे बोल ही नहीं सकते। यहां हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बोलोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हाइड्राइड के लिए बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बोलोगे, जबकि ऊपर से नीचे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड लगभग लगभग बराबर है सब में, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आएगा। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट टू राइट जाने पे भी बढ़ रही है और ऊपर से नीचे जाने पे भी बढ़ रही है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपको मालूम है अलग अलग चल रही थी। चलिए कुछ एग्जांपल है एसिडिक स्ट्रेंथ के, कंपेयर करो एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई किससे करोगे, जल्दी से बोलो, बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो आंसर क्या जाएगा, क्या सही लिखा है मैंने, बोलो यस और नो। लेकिन जब ऑक्सी एसिड्स के आंसर से करोगे तो किससे करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की। ऑक्सी एसिड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा नेक्स्ट H2SO4 किससे करोगे, ऑक्सी एसिड से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की। यहां आंसर देखो, कोई ऑक्सी नहीं है, हाइड्राइड है, कहां पर है ये जल्दी से बताओ, पीरियड के अंदर। किससे आंसर दोगे, बॉन्ड एनर्जी,
कौन ज्यादा एसिडिक होगा? डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, आसानी से टूटेगा, आसानी से एच देगा। और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से देखते हैं हम। अच्छा यहां पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन स्ट्रांग होगा? नाइट्रोजन। नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, ऑक्सी एसिड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा यहां क्या देखोगे जल्दी से बोलो? बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ नीचे जाने पर डिक्रीज होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ एसिडिक ये होगा। क्लियर है? कंप्लीट समझ में आ गया या नहीं आया? ये सारे एग्जाम्पल आपको आने चाहिए।